हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर विनोद कामले इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज रिक्रूटमेंट एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट उसके पहले स्टूडेंट्स में जो एक कंफ्यूजन होता है उसके बारे में मैं क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो होता है वो सेम होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है रिक्रूटमेंट जो होता है वो पहले होता है और उसके बाद में फिर सिलेक्शन किया जाता है सो बेसिकली रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि कंपनी में जो भी वैकेंट पोजीशन होते हैं या जहां पे अभी एम्प्लॉय नहीं है काम के लिए तो उस वेकेंट पोजीशन के बारे में न्यूज़पेपर में या इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट किया जाता है और वो एडवर्टीजमेंट को देख के जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको रिक्रूटमेंट बोला जाता है फिर बाद में कंपनी क्या करती है जो भी कैंडिडेट्स ने जॉब के लिए अप्लाई किया है उनके एप्लीकेशन को स्क्रूटिनी करती है और उसमें से जो भी इलिजिबल कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू कंडक्ट करके उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट किया जाता है सो so, उसको सिलेक्शन बोला जाता है सो so, रिक्रूटमेंट में कंपनी ने क्या किया न्यूज में एडवर्टीजमेंट दिया और वो न्यूज की एडवर्टीजमेंट को देख के जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया उसको रिक्रूटमेंट बोलेंगे और फिर कंपनी जो भी इलिजिबल कैंडिडेट्स है उनको इंटरव्यू के लिए बुला के उनमें से कैंडिडेट को सिलेक्शन करती है तो उसको सिलेक्शन बोलते हैं सो so, इस तरीके से रिक्रूटमेंट के मीनिंग में आपको क्या लिखना है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कैंडिडेट को सर्च करती है कैसे कैंडिडेट को सर्च किया जाता है तो जैसे मैंने आपको बोला कि न्यूज या इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट दिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कैंडिडेट को सर्च करती है और स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब मतलब वो एडवर्टीजमेंट को देख के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं स्टिम्युलेट होते हैं मोटिवेट होते हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट का मीनिंग याद रखना है सर्चिंग कैंडिडेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब और इन जनरल आप लोगों को और भी डिटेल में लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो कि रिक्रूटमेंट में क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में या इंटरनेट पे जॉब के बारे में एडवर्टिजमेंट देती है और उसको देख के कैंडिडेट जो होते हैं वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं सेम चीज पे एडविन जो है उन्होंने डेफिनेशन में बोला हुआ है कि रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई एंड देम टू अप्लाई द जॉब पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है अपने जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज होते हैं प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या फ्यूचर में जो कंपनी के एम्प्लॉयज बन सकते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सर्च करती है और सर्च कैसे करती है तो न्यूज में या इंटरनेट पे एडवर्टिजमेंट देके और वो एडवर्टीजमेंट को देख के यहाँ पे कैंडिडेट क्या होते हैं होते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं अभी हम लोग देखते हैं आर ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन कहा से कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर सकती है तो इसमें दो सोर्सेस हम लोग को देखने हैं एक होता है इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट नो इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो कैंडिडेट होते हैं उन लोगों को मोटिवेट करती है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर के कैंडिडेट्स होते हैं उनको जॉब के लिए प्रीफर नहीं करती है जो भी इंटरनल कैंडिडेट्स है उनको ही यहाँ पे जॉब के लिए कंपनी प्रीफर करती है सो so, उसको इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट बोला जाता है अभी कौन से कौन से इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है तो जिसमें सबसे पहले है प्रमोशन नाउ ऑर्गेनाइजेशन में जब हायर पोजिशन वेकेंट होती है हायर पोजिशन मतलब कोई भी मैनेजरियल लेवल या फिर जो भी टॉप लेवल के पोजिशन वेकेंट होते हैं तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है किसी कैंडिडेट को प्रमोशन देती है और वो जो हायर पोजिशन वेकेंट है उसको फिलअप किया जाता है सो so, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट किया हुआ है मतलब कंपनी के अंदर के ही किसी कैंडिडेट को यहाँ पे प्रमोशन दिया है और जो भी हायर लेवल की पोजिशन वेकेंट थी उसको फिलअप किया गया है सो so, इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय प्रमोशन मिला है तो ऑब्वियसली उसका पोजिशन बढ़ेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी स्टेटस बढ़ेगा और उसका पे बढ़ेगा सो प्रमोशन एक तरीका होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का और प्रमोशन जो होते हैं वो हायर लेवल के पोजिशन को फिलअप करने के लिए यूज किया जाता है दूसरा इंटरनल सोर्स है रिक्रूटमेंट का ट्रांसफर ट्रांसफर में क्या किया जाता है एक कैंडिडेट को एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक जॉब से दूसरे जॉब पे शिफ्ट किया जाता है जैसे कि सपोज परचेज डिपार्टमेंट में सरप्लस एम्प्लॉज है और सेल्स डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है एम्प्लॉयज का तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि परचेज डिपार्टमेंट में जो सरप्लस एम्प्लॉय है उसको सेल्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट करेगी उनको ट्रेनिंग देगी और उनको फिर सेल्स डिपार्टमेंट का जॉब जो होता है वो हैंड किया जाता है यहाँ पे एम्प्लॉय के पे में उनके स्टेटस में या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ भी चेंजेस होते नहीं है जैसे हमने प्रमोशन में देखा कि प्रमोशन में उनका पे स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा था लेकिन ट्रांसफर में उनका पे स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो सेम होती है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि एक जॉब से कैंडिडेट को उठा के दूसरे जॉब पे प्लेस किया हुआ है तो ट्रांसफर भी जो होता है वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यहां पे कैंडिडेट को क्या किया जा रहा है एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट किया जा रहा है देन थर्ड सोर्स है इंटरनल एडवर्टीजमेंट इंटरनल एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन अपने नोटिस बोर्ड पे एक एडवर्टीजमेंट जो होती है वो पुट अप करती है जिसमें लिखा रहता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर पोजिशन जो है वो वेकेंट है तो जो भी एम्प्लॉयिज उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और जो वो जॉब के लिए इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं तो ऐसा नोटिस बोर्ड के ऊपर एडवर्टीजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने पुट अप किया अभी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होंगे वो क्या करेंगे वो उस एडवर्टीजमेंट को रिफर करके अगर वो पर्टिकुलर पोजिशन के लिए वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो अप्लाई करेंगे और फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट करके उसमें से जो कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है सो इंटरनल एडवर्टीजमेंट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नोटिस बोर्ड होता है उसके ऊपर जो भी वैकेंसी ऑर्गेनाइजेशन में है उसके बारे में एडवर्टीजमेंट को प्लेस किया जाता है और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उस पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जो भी मैनेजर्स रिटायर्ड हुए हैं उनको वापस से बुलाया जाता है और उनको एक पर्टिकुलर पोजिशन जो होते वो हैंडल करने के लिए बोला जाता है अभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्यों करती है तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को जैसा कैंडिडेट चाहिए वैसा कैंडिडेट नहीं मिल रहा है और रिटायर्ड मैनेजर जो है उनके पास काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है और वो कुछ दिनों के लिए उस पोजीशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और इसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है जो रिटायर्ड मैनेजर है उनको वापस से बुलाती है और वो कुछ दिनों के लिए वो पोजिशन को हैंडल करते हैं तो ये रिटायर्ड मैनेजर जो है वो भी एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि, कि किसी कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल है वो रिटायर्ड हो चुके हैं अभी कॉलेज को दूसरे कोई भी प्रिंसिपल नहीं मिल रहे हैं या जैसे उन लोगों को रिक्वायरमेंट है वैसे प्रिंसिपल उनको नहीं मिल रहे हैं इसके लिए कॉलेज क्या कर सकता है कि जो प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए हैं उनको कुछ दिनों के लिए वापस से बुला सकते हैं और उनको वो पोजीशन को हैंडल करने के लिए बोला जा सकता है सो रिटायर्ड मैनेजर को वापस से जॉब पे बुलाना ये भी इंटरनल रिक्रूटमेंट का एक सोर्स है उसके बाद में रिकॉल फ्रॉम द लॉन्ग लीव कोई एक पर्टिकुलर मैनेजर जो है वो लॉन्ग लीव पे गए हैं सपोज एक साल के लिए या डेढ़ साल के लिए वो लीव पे चले गए हैं कुछ रीजन की वजह से और ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और उस प्रॉब्लम को वो जो मैनेजर लीव पे गए हैं वही सॉल्व कर सकते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी उनको लीव से वापस बुलाएगी उनको बोलेगी कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो और फिर वापस से आप क्या करो लीव पे चले जाओ तो ये भी इंटरनल रिक्रूटमेंट का एक तरीका हो सकता है जहां पे कोई एक पर्टिकुलर मैनेजर जो है लॉन्ग लीव पे चले गए हैं और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है और उस प्रॉब्लम को वो जो मैनेजर लीव पे चले गए हैं वही सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन उनको क्या करती है वापस से इसमें भी रिटायर्ड मैनेजर के जैसा ही किया जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर मैनेजर कुछ दिनों के बाद में रिटायर्ड होने वाले है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी उनके सर्विस को एक्सटेंड करेगी मतलब क्या उनका रिटायरमेंट जो है एक्सटेंड करेगी उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि कुछ दिनों के लिए आप काम करो और फिर बाद में जैसे उनको दूसरा कैंडिडेट मिल जाएगा उसके बाद में वो रिटायरमेंट ले सकते हैं सो so, यहाँ पे जो मैनेजर रिटायर होने वाले हैं उनके सर्विस को थोड़े दिनों के लिए एक्सटेंड किया जाता है एंड द लास्ट वन इज कैटलॉग ना कैटेलॉग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एम्प्लॉयज का एक लिस्ट होता है जिसमें एम्प्लॉयज के सारे डिटेल होते हैं कि उनका नाम क्या है क्वालिफिकेशन क्या है उनका एक्सपीरियंस कितना है तो ये सारी डिटेल वो कैटेलॉग के अंदर या लिस्ट के अंदर मेंशन किया रहता है तो ऑर्गेनाइजेशन को जब भी कैंडिडेट की जरूरत पड़ती है किसी भी वेकेंट पोजीशन के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है वो कैटलॉग को रिफर कर सकती है और वो कैटलॉग को रिफर करने के बाद में उनको पता चल सकता है कि पर्टिकुलर वेकेंट पोजिशन के लिए पर्टिकुलर एम्प्लॉज जो है वो सुटेबल हो सकता है तो ऐसे कैटलॉग को रिफर करके यहाँ पे क्या किया जाता है इंटरनल कैंडिडेट को वैकेंट पोजिशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो ये सारे मैंने आप लोगों को इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट बताया जहां पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ही जॉब के लिए प्रिफर किया जाता है अभी सेकेंड वाला है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नाम से यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को प्रिफर कर रही है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट पोजीशन से उनको फिलअप करने के लिए तो बाहर के कैंडिडेट्स को यहाँ पे जॉब के लिए प्रीफर किया जाता है इंटरनल कैंडिडेट्स को कंपनी प्रीफर नहीं करती है तो उसको यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोला जाता है अभी ये कौन से कौन से एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है तो उसमें सबसे पहले है एडवर्टीजमेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि न्यूज में या फिर इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट देती है जिसके अंदर क्या जॉब है उसके डिटेल्स लिखे रहते हैं और कैसा कैंडिडेट उनको चाहिए उसके डिटेल्स लिखे रहते हैं उसको रिफर करके यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं सो न्यूज में या फिर आजकल इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट दिया जाता है और वो एडवर्टीजमेंट में जॉब के सारे डिटेल कैंडिडेट के सारे डिटेल मेंशन किए रहते हैं और कैंडिडेट को वो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मोटिवेट किया जाता है और ये काफी ओल्ड मेथड और काफी पॉपुलर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है काफी सालों से ये मेथड को यूज किया जा रहा है और जनरली ऑर्गेनाइजेशंस इस मेथड को यूज करते हैं देन एक्सटर्नल मेथड है है रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कॉलेजेस के अंदर या जो भी मैनेजमेंट या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको अप्रोच करते हैं और वहां के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरव्यू यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है और उसमें से कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है सो कैंपस रिक्रूटमेंट ये जो होता है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को यहाँ पे कंपनी क्या करती है हायर करती है जॉब के लिए तो उसके लिए यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट किया जाता है इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस हो सकते हैं जहां पे आपको याद रखना है कि कैंपस रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है फ्रेश ग्रेजुएट्स को सर्च करती है या न्यू टैलेंट को कंपनी यहाँ पे सर्च करती है जो उनको कॉलेजेस में से या मैनेजमेंट या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में से मिल सकती है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि अलग अलग कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूशंस में जा सकती है और फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करके फिर उसमें से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जा सकता है तो उसको कैंपस रिक्रूटमेंट बोला जाता है और बहुत सारे कॉलेजेस में कैंपस रिक्रूटमेंट किया जाता है देन नेक्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट सिंपल है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि उनका जो फैक्ट्री होता है उसके गेट के ऊपर एडवर्टीजमेंट पुटअप की जाती है जैसे कि आप लोग कभी भी कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो या कहीं से आप लोग जा रहे हो तो आप लोग देखते हो कि वहां पे एडवर्टीजमेंट लगाया रहता है कि पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर पर्टिकुलर पोजीशन जो वेकेंट है और अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग यही नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो सो so, ऐसे फैक्ट्री के गेट के ऊपर एडवर्टीजमेंट कुटअप किया जाता है तो उसको बोला जाता है रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट बेसिकली यहाँ पे फैक्ट्री में कोई पोजिशन वेकेंट है उसको फिलअप करने के लिए ये मेथड को यूज किया जाता है देन नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी मतलब भी क्या होता है ये आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ होती है इनका काम क्या होता है कि ये लोग ऑर्गेनाइजेशन को कैंडिडेट सर्च करके देते हैं मतलब जो भी वेकेंट पोजीशन है उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना फिर वो कैंडिडेट्स के जो एप्लीकेशन है उसको स्क्रूटिनी करना उनका करना, करना करना उनका interview conduct करना और candidate को select करना और को फिर बाद में selection के बाद में में वो candidate को उस में भेजा जाता है सो so, सारा यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का काम है और सिलेक्शन का काम है वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी खुद ही करती है और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है उसके बदले में जो भी कमीशन होता है वो एजेंसी को पे करती है सो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो होते हैं वो कैंडिडेट को सर्च करना उनका इंटरव्यू कंडक्ट करना उनका सिलेक्शन करना और फिर बाद में जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी रिक्वायरमेंट है वहां पे उनको भेजना ये सारे काम हैंडल करती है बेसिकली ये जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होते हैं वो लोअर लेवल और मिडिल लेवल का स्टाफ जो होता है उनका रिक्रूटमेंट का काम देखते हैं देन मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के जैसे ही रहते हैं सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में लोअर लेवल और मिडिल लेवल एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट किया जाता है और मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं हायर लेवल के जो स्टाफ होते हैं उनका रिक्रूटमेंट करते हैं सो so, यहाँ पे जब ऑर्गेनाइजेशन को हायर लेवल के स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होते हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप हमारे लिए ये पर्टिकुलर पोजिशन के लिए कैंडिडेट जो है उसको सर्च करो उसका इंटरव्यू कंडक्ट करके वो कैंडिडेट को हमारे पास भेजो और उसके बदले में भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो होती है मैनेजमेंट कंसल्टेंट को कमीशन जो होता है या उनका जो भी सर्विस चार्जेस होता है वो पे किया जाता है सो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट सेम ही होता है डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में लोअर लेवल और मिडिल लेवल एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट किया जाता है और मैनेजमेंट कंसल्टेंट में हायर लेवल के जो स्टाफ होते हैं उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है और दोनों में भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है अपना जो भी रिक्रूटमेंट का काम होता है और सिलेक्शन का काम होता है उसको आउटसोर्स करती है मतलब ऑर्गेनाइजेशन खुद वो काम नहीं करती है वो किसी एजेंसी को देती है और एजेंसी को उसके बदले में कमीशन पे किया जाता है देन नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्सेज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं यहाँ पे ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं वहां पे कैंडिडेट्स को क्या करना होता है कि एक फॉर्म होता है वो फिलअप करना होता है और उनके लायक जो भी जॉब कभी भी आता है उनको लेटर भेजा जाता है उनको कॉल करके इन्फॉर्म किया जाता है कि ये पर्टिकुलर जॉब है तो वहां पे वो जाके इंटरव्यू वगैरह अपियर कर सकते हैं आप लोग अगर मुंबई में चर्च गेट में जाके देखोगे तो वहां पे एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां पे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना होता है और कहीं पे भी वैकेंसी होती है तो आप लोगों को वो वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा सकता है देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब क्या होता है ये कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इनके पास लेबर्स होते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब लेबर की जरूरत होती है तो वो कॉन्ट्रेक्टर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वो कॉन्ट्रेक्टर क्या करते हैं लेबर्स को वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए भेज सकते हैं जैसे कि सपोज आपका कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और आपको पैकिंग के लिए लेबर की जरूरत है तो आप क्या करोगे कॉन्ट्रेक्टर को कॉन्टेक्ट करोगे और उनको बोलोगे कि हमको पैकिंग के काम के लिए कुछ लेबर की जरूरत है तो ये कॉन्ट्रेक्टर क्या करते हैं वो लेबर को वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में भेजते हैं सो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ये भी रिक्रूटमेंट का एक सोर्स हो सकता है देन नेक्स्ट वन इज वॉक वॉक इन इन इंटरव्यू इंटरव्यू समझना काफी जरूरी है बिकॉज बहुत सारे में जब एडवर्टीजमेंट आती है तो उसके अंदर वॉक इन इंटरव्यू करके वर्ड काफी ज्यादा यूज किया जाता है जनरली क्या होता है कि जब भी कोई एडवर्टीजमेंट आती है तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए उनको सीवी जो होता है और उनके जो भी रिजल्ट वगैरह होते हैं तो उसकी कॉपीज जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करनी पड़ती है फिर ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू का लेटर जो होता है कैंडिडेट को भेजती है जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन में जाना रहता है और इंटरव्यू को फेस करना रहता है लेकिन वॉक इन इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है वॉक इन इंटरव्यू में आप लोगों को कोई भी सी वगैरह या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट जो है वो पहले से सबमिट करना पड़ता नहीं है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के अंदर इंटरव्यू का डेट टाइम और प्लेस दिया रहता है और दिन भर इंटरव्यू चलते रहते हैं आप लोग डायरेक्टली वहां पे इंटरव्यू के लिए उस दिन जा सकते हो और इंटरव्यू आप लोग फेस कर सकते हो सो so, यहाँ पे आपको पहले से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पे आप लोगों को जो दिन दिया है उस दिन पे डायरेक्टली जाना है और वो इंटरव्यू को आपको अपियर करना है तो बेसिकली कॉल सेंटर्स और बीपीओ वगैरह जो होते हैं वहां पे वॉक इन इंटरव्यूज काफी ज्यादा होते हैं आप लोगों को जिस दिन इंटरव्यू होता है उसी दिन अपने साथ आपका जो भी सीवी है आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं और बाकी यहाँ पे आपको एडवांस में कुछ भी अप्लाई करना पड़ता नहीं है देन द लास्ट वन इज ए रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट को ही हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट या इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट तो आजकल ई रिक्रूटमेंट जो है काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है क्योंकि ई e रिक्रूटमेंट की वजह से क्या होता है कि टाइम मनी एनर्जी जो होता है वो बचने में हेल्प होता है क्योंकि जब यहाँ पे कैंडिडेट को किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो ऑब्वियसली कैंडिडेट का जो भी कॉपीज uh, का खर्चा होता है फिर बाद में कुरियर का खर्चा होता है ट्रैवलिंग का खर्चा होता है फिर ऑर्गेनाइजेशन को वो सारे पेपर जो होते हैं हो, संभाल के रखने पड़ते हैं लेकिन ये ये रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट जो होता है वो पब्लिश करती है जैसे कि उनके वेबसाइट के ऊपर या फिर किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट को पब्लिश किया जा सकता है और जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होता तो फिल है फिलअप करते हैं तो इसके वजह से क्या हो रहा है कैंडिडेट का टाइम मनी और एनर्जी सेव हो रहा है उनको किसी भी तरीके से कोई भी कॉपीज वगैरह नहीं निकालनी पड़ती है कुरियर का खर्चा नहीं करना पड़ता है या फिर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हैंड ओवर करने के लिए ट्रेवलिंग नहीं करना पड़ता है सेम तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का भी टाइम मनी एनर्जी सेव हो रहा है बिकॉज यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई पेपर्स वगैरह जो संभाल के नहीं रखने पड़ते हैं और इसके वजह से ई रिक्रूटमेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन और कैंडिडेट दोनों के लिए बेसिकली कर तो इस क्या, क्या करती है कैंडिडेट को सर्च करती है और उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट करती है अभी कैंडिडेट को कैसे सर्च करती है मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया जाता है न्यूज़पेपर में या इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे तो उसके थ्रू यहाँ पे कैंडिडेट को सर्च किया जाता है और वो एडवर्टीजमेंट को देख के कैंडिडेट स्टिम्युलेट होते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं फिर मैंने आपको रिक्रूटमेंट के सोर्सेज बताया कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज कर सकती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट यूज कर सकती है यहाँ पे एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज करती है जैसे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब यूज करती है तो जब ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तभी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज किया जा सकता है या फिर काफी बार ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि हमारे इंटरनल कैंडिडेट को ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए तो इसके लिए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो होता है उसको यूज किया जाता है इंटरनल रिक्रूटमेंट का यहाँ पे एक और फायदा होता है कि जो भी कैंडिडेट आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे जॉब के लिए उसको ज्यादा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उनको ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है तो उनको किसी भी तरीके से यहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं करना पड़ेगा या ऑर्गेनाइजेशन के के पॉलिसीज बारे में समझाना पड़ेगा नहीं यहाँ पे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को जैसा कैंडिडेट चाहिए वैसे वो इंटरनली नहीं मिल पा रहा है तो ये एक यहाँ पे डिसएडवांटेज हो सकता है दूसरा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम यह होता है कि अगर सपोज एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया तो दूसरे जो कैंडिडेट नहीं किया गया है तो वो यहाँ पे नाराज हो सकते हैं सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कुछ बेनिफिट है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है सेम तरीके से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के भी कुछ बेनिफिट्स है और कुछ यहाँ पे उसके डिसएडवांटेजेस है अभी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एडवांटेज क्या होता है तो जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर इंटरनल में बताया कि यहां पे ऑर्गेनाइजेशन को बाहर काफी सारे जो कैंडिडेट्स है उनमें से बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है क्योंकि काफी बार क्या होता है इंटरनल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते या फिर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कैंडिडेट में इंटरेस्टेड नहीं होती है तो एक्सटर्नल में क्या होता है कि उनको काफी सारी वैरायटी मिलती है जिसमें से वो बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का कुछ डिसएडवांटेज भी है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करने के वजह से इंटरनल कैंडिडेट जो होते हैं वो नाराज हो सकते हैं बिकॉज उनको ऐसे लग सकता है कि इंटरनली हम लोग अवेलेबल होने के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर के कैंडिडेट को जॉब के लिए हायर किया हुआ है तो इसका परिणाम जो है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके प्रोडक्टिविटी के ऊपर और एफिशिएंसी के ऊपर हो सकता है तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों को रिक्रूटमेंट क्या होता है उसके बारे में बताया फिर मैंने रिक्रूटमेंट के आपको इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस बताए और फिर मैंने इंटरनल सोर्सेस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज और एक्सटर्नल सोर्सेज का एडवांटेज और, और डिसएडवांटेज बताया एग्जाम में अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो आप लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है तो लिख सकते हो नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते हो लेकिन एक नॉलेज पर्पज के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों भी बताया सो थैंक यू स्टूडेंट्स प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो